हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस समय आप सभी लोग अपने अपने घर पर रह रहे हैं। घर पर रहते हुए आप अपने समय को सही तरीके से यूज करने का प्रयास भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट बिफोर दिस I just want to say, for studying any of the programming language, you have to go through the basics for that. And after learning the basics, you have to create your own logic. And once the logic is created, do your own practice. Do work hard for your practice. Right? So with this, this is Virendra, your information technology teacher. And I'm here to give you the most important lecture on the repetitive structure. Repetitive structure is a part of looping, and I have already shared the videos for the repetitive structure. But right now, in this video, we have the detailed explanation with the example for the repetitive structure. Right? So, students, without wasting any of the time, let's come to my screen. And you can have the better understanding about the same, right? Please come. Okay, students. Now we are going to understand some programs here and try to cope up with the complexity which are occurring while doing the Java programming. I'm sure that this video will definitely help you to give you the details about the Java programming. आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूपिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद करता हूँ सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So students, without wasting any other time, let's come to the first program and I will just explain one by one each and every line so that you can have a better understanding about the same. As you know that right now one class is created, the class name is while one in the line one, right? Line number two is a main function. Line number three, it's a declaration of variable. I have store one, and then as you know that we have to use the while loop. So in this loop, first is while is the keyword, and in the parenthesis you have to write the condition. Suppose you want to print the counting number from 1 to 20. Okay, so right now compare the variable less than equal to 20. मतलब क्या हुआ, यहाँ parenthesis के अंदर आपको नंबर लेस देन इक्वल टू 20 आपको लिखना है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, वहां पर आप उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर प्लस नंबर, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, सेमी कॉलन लग जाएगा। इसी के बाद अब आपको लूप को इंक्रीज करना है। आपको बता दूं मैं कि जब कभी भी हम लूपिंग पढ़ते हैं, लूपिंग में आपको तीन चीजें पढ़ाई जाती हैं। नंबर वन व्हाइल लूप, नंबर टू डू व्हाइल लूप, नंबर थ्री फॉर लूप। इस समय हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, हम एक एक एग्जांपल हर एक लूप का हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा ताकि वो आपके लिए हेल्प हो, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम ये समझ रहे हैं कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके किस तरीके से 1 से 20 तक के नंबर्स को हम प्रिंट कर दें। ओके, सो यहाँ पर आपने मेन जो लॉजिक है वो ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1, क्योंकि आपका जो काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। अब आपने उस नंबर को कंपेयर किया 20 से, तो कंपेयर करने के लिए आपको पता ही है रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना होगा। यहाँ पर आपने लिखा नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 20 अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही लूप के अंदर वो आएगा और वहां पर नंबर को प्रिंट कर देगा। अब
यहाँ पर नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन लिखा है आपने, यहाँ पर आप प्लस प्लस नंबर भी लिख सकते हैं आप। मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में अलग से मैंने आपको समझा रखा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें अगर आपको कोई डाउट आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस प्लस नंबर लिखिए या नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन लिखिए, बात एक ही है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर अब सारा कुछ जो लूप इंक्रीमेंट हो गया, पैरेंथेसिस आपने प्रॉपर प्लेस पे लगा दी, अब आप इसको रन करेंगे। रन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल है, फाइल को रन करने का तरीका होता है शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, अब आप रन करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक आउटपुट आएगा, 1 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन लॉजिक है, एक आपको ख्याल रखना है लॉजिक का तो ख्याल रखना ही है, एक आपको ख्याल रखना है सिंटैक्स का भी ख्याल रखना है कि व्हाइल लिखना है, व्हाइल के बाद आपको कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद आपको यहाँ पर आपको जो प्रिंट करना है लूप के अंदर, आपको अगर लूप के अंदर प्रिंट कराना है तो लूप के अंदर लिखेंगे, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप यहाँ पर चला सकते हैं आप। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हम लूपिंग के बारे में ध्यान देते हैं तो लूपिंग के बारे में आपको तीन चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। नंबर वन इनिशियलाइजेशन, जैसे कि मैंने नंबर इक्वल टू वन किया। नंबर टू, पॉइंट नंबर टू जो होगा कंडीशन आपको सही तरीके से लिखनी होगी आपको। नंबर थ्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या आप कितनी बार लूप को चलाना चाहते हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। ये आपका अगला प्रोग्राम है, अगले प्रोग्राम में मैंने आपको ये समझाया है कि जो काउंटिंग नंबर है वो 1 से लेकर 20 तक प्रिंट तो करना है, लेकिन इस बार डू वाइज से। तब आपका लॉजिक तो बिल्कुल वही रहेगा, बस आपका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, सिंटेक्स। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है, डू कर्ली ब्रैकेट, जो प्रिंट करना है वो लिखा आपने, इंक्रीमेंट जो लगाना है लगा दिया, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन, कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपको लिखना है वाइल, और वाइल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो यहां पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंटेक्स का विषय ध्यान रखना है यहां पर कि यहां पर सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन आपको यहां पर सिंटेक्स जरूर ध्यान रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूं दूसरा प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोग्राम की। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम में देखिए क्या क्या है। तीसरा प्रोग्राम है आपका, यहाँ पर सेम आपका लॉजिक मैंने लिया है कि आप काउंटिंग नंबर ही प्रिंट करना चाहते हैं आप, और काउंटिंग नंबर यहाँ पर आपको 1 से लेकर 9 तक आपको प्रिंट करना है, 1 से लेकर 9 तक। तो जब आप 1 से लेकर 9 तक प्रिंट करेंगे आप, तो प्रिंट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अब जो लॉजिक है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम के जरिए मैंने आपको ये चीज और समझाने की कोशिश की है आपको कि मैं एक यूजर हूँ और यूजर ने जो नंबर यहाँ पे डाल दिया उतनी बार आपका लूप चलेगा। जैसे मैंने अगर डाला 20 तो 20 टाइम्स आपका लूप चलेगा आपका, और जितनी बार आपको नंबर प्रिंट करना है उतनी बार आपका नंबर हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले आपने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट आपने लिखा java.util.scanner, फिर आपने एक क्लास डिफाइन की पब्लिक क्लास वाइल। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर आपने लिखा स्कैनर obj, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर इक्वल टू न्यू एक ऑपरेटर है स्कैनर, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा system.in। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने प्रिंट कर ली कि इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट आप चाहते हैं, या ठीक है कितनी बार आप लूप चलाना चाहते हैं आप। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो आपका लॉजिक यहाँ डिक्लेयर किया है यहाँ पर कि एक मैंने obj.nextint, यानी कि जो नंबर है मैंने इन मैंने किस फॉर्म में लिया है, नंबर की फॉर्म में लिया है। ठीक है, कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पर, तो obj.next, यानी कि मैंने ऊपर जो क्लास है उस ऊपर जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और आपके ऑब्जेक्ट के जरिए, और यहाँ पर उसको मैंने स्टोर कर दिया n के लिए। n क्या है, इंटीजर है। अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया। अब फॉर लूप में आपको बताया था कि आप यहाँ पर तीन चीज का विषय ध्यान रखते हैं आप, नंबर वन इनिशियलाइजेशन,
नंबर टू कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इस वाले में आपका फायदा ये होगा कि एक ही लाइन में तीनों चीजें आपको लिखनी है, एक ही लाइन। जैसे नंबर इक्वल टू वन, आपने इनिशियलाइजेशन यही कर दिया, फिर इसके बाद आपने लिखा नंबर लेस देन इक्वल टू एन, एन का जो नंबर आपने इंटर किया था आपने, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ लिखा नंबर प्लस प्लस, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन लिखी और इंक्रीमेंट किया। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है तीनों के बीच में सेमी कॉलन लगा होना जरूरी है, क्योंकि सिंटैक्स का ही पार्ट है ये। अब कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया, यहाँ लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन और आपने प्लस नंबर लिखा, आपने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद आपने लिखा शिफ्ट प्लस F6 का आपने कीबोर्ड से प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो ये है आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो इस प्रोग्राम्स में आपको इस बात का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर तीनों के में एक एक प्रोग्राम आपको समझा दिया गया है, ठीक है। और आपको याद रहे कि यहाँ पर जो व्हाइल लूप है एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, और जो डू व्हाइल है उसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि जब हम व्हाइल लूप पढ़ते हैं तो बिना कंडीशन चेक हुए आपका लूप नहीं चलेगा, पहले कंडीशन चेक हुई तभी कोई चीज आपका प्रिंट होगा। लेकिन अब आपका यहाँ पर दूसरे वाले में, अगर आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन तो चेक हो नहीं रही है, पहले आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एटलीस्ट दोनों में मेन जो अंतर है कि व्हाइल में एक भी बार प्रिंट नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल में एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए देखिए दोनों का नाम में भी अंतर है, एक आपका एंट्री कंट्रोल लूप है और दूसरा आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, अब जो समय है कुछ नए प्रोग्राम्स को जानने की जरूरत है, अब आपको अब कुछ नए लॉजिक की जरूरत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ नए प्रोग्राम्स आपको बताने की, और उस प्रोग्राम्स में आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर भी करें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर इस छोटे से प्रोग्राम में आपको ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो इवन नंबर्स है व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो लॉजिक है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, आप इनिशियलाइजेशन किया, तो आप देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 4 में इंट नंबर इक्वल टू 2 लिखा है, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आप आइए सीधे आप आइए यहाँ पर लॉजिक के अंदर। लॉजिक कौन सा है, व्हाइल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है मैंने, नंबर लेस देन इक्वल टू एन। एन क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आपने यहाँ पर इनपुट कराया है वो चीज, यानी कि अगर आपने 10 डाला तो आपको यहाँ पर 10 टाइम्स आपका लूप चलेगा। और उसके बाद अब आपको व्हाइल के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर आपने लिखा प्लस नंबर, ब्रैकेट बंद कर दिया और लूप को इंक्रीज किया। कैसे, आपने अभी तक क्या लिखा था, प्लस प्लस नंबर लिखा था, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस नंबर का मतलब होता है नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन, यानी कि हर बार एक एक करके इंक्रीमेंट होगा जो भी वैल्यूज होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको लिखना होगा नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, ठीक है। अब आपका यहाँ पर लूप जितनी बार चलाना चाहे चला देंगे, क्योंकि एन की वैल्यूज आप ले लेंगे। नंबर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2 आपको लिखना होगा। कर्ली ब्रैकेट अब आपने बंद कर दिया है, अब बारी है इसको रन करने की। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्लस F6 को प्रेस करेंगे और आपके सामने ये रहा रिजल्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, उसके बाद 16, 18, 20, ये रहा आपके सामने रिजल्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसके साथ एक और हम प्रोग्राम लेके चलते हैं और उस प्रोग्राम में हम आपको यही लॉजिक आपको बताएंगे, लेकिन डू वाइज। ये रहा आपके सामने प्रोग्राम, आपने यहाँ इंपोर्ट कर दिया java.util.scanner, इस वाले आपको लाइन को आपने जो फंक्शन से इंपोर्ट कर दिया आपने यहाँ पर, उसके बाद मेन फंक्शन क्लास डिक्लेयर कर, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइजेशन किया आपने, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, बस डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है बस वही चेंज है यहाँ पर,
ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, डू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर मैंने यहाँ लिख के यहाँ पे, अब लूप को इंक्रीज करना है मुझे, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू लिख दिया, अब कर्ली ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पर वाइल, वाइल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद सेमी कोलन, कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर लेस देन इक्वल टू एन, एन क्या चीज है, एन मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है जितनी बार आपको लूप चलाना है। अब ये प्रोग्राम इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर, शिफ्ट प्लस F6 करना है, अब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक प्रोग्राम मैंने अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम में रन कराया है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा, एक चीज से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ऐसे ही आपको फॉर लूप की मदद से या आपको डू वाइल या वाइल की मदद से और नंबर प्रिंट करिए, रिवर्स रिवर्स इवेंट नंबर, रिवर्स और नंबर, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रिंट प्रिंट करके आप देखिए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर हो गया होगा, बस आपको यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, लॉजिक के अंदर ध्यान रहे, लॉजिक के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो एंड आई हैव गिवन द होमवर्क फॉर यू फॉर डूइंग योर प्रैक्टिस, जस्ट ट्राई टू डू योर प्रैक्टिस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन any kind of query just get in touch with me, okay? Okay students, thank you so much for watching this video, keep enjoying the other videos also, and for your queries and doubts I'm always here to give you support, right? And with this COVID-19 you have to fight with that, ओके आपको कोरोना को हराना है, और कोरोना को हराने के लिए आपको इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल भी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग योर मास्क, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, राइट, दीज आर द सम काइंड ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो, ओके, एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट प्रीसियस टाइम फॉर यू, ओके, कीप यूटिलाइजिंग इन अ एफिशिएंट वे, राइट। विद दिस थॉट it's time to finish up this video, and we'll meet in next video to have the better understanding and with a new topic. So once again, thank you so much for watching this video.